ये पांच चीज़ें ही हैं सबसे बड़ी बीमारियों की मुख्य वजह। जैसे कि आप सुनते हो बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर, लीवर की प्रॉब्लम, कैंसर जो आज भारत में बढ़ता जा रहा है, किडनी फेल हो रही है लोगों की, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, मोटापा आजकल हर घर घर में हो रहा है, और आजकल छोटे बच्चों को थैलेसीमिया हो रहा है या जोड़ों का दर्द हो रहा है। ये सारी बीमारियों का जो कारण है वो ये पांच सफ़ेद चीज़ें हैं। इसमें मुख्य सबसे पहले है आपके घर में पाया जाने वाला ये सफ़ेद नमक, जिसको हम आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। ये नमक हमारी आंतों को अंदर से गलाता है, ख़राब करता है। ये जो गेहूं का आटा बाजार से पिसा पिसा लाते हो, ये है दूसरा सबसे बड़ा जहर भारत के अंदर। तीसरा फास्फोरस और केमिकल का, ये चीनी जो कैंसर, सोराइसिस, थैलीसीमिया और लीवर फेल का मुख्य कारण, ये सफ़ेद चीनी है। फिर आ गए आपके चावल, और नंबर पाँच पे आ रहा है आपका दूध। अब ये दूध किसी का भी हो सकता है, जर्सी गाय का भी हो सकता है, एचएफ का गाय का भी हो सकता है, और भैंस का भी हो सकता है। तो ये पांच सफ़ेद आइटमें ही हैं इन सारी बड़ी बीमारियों का कारण। और अभी हम खड़े हैं हिम्स डेरा बस्सी में, जहाँ पे हम किडनी फेल, लीवर फेल काम करते हैं, लीवर फेल पे काम करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर सफ़ेद नमक नहीं खाना तो क्या करना है। सफ़ेद नमक हमारा ब्लड प्रेशर और किडनी फेल का मुख्य कारण है। इसकी जगह पर आप अपनाइए सेंधा नमक, जिसमें 84 मतलब सफ़ेद नमक को काटा मार दीजिए, सेंधा नमक को अपना लीजिए। ये आपके सामने सेंधा नमक। गेहूं का आटा हटाकर इसकी जगह अपनी जिंदगी में मिलेट का आटा या मिलेट का इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद सफ़ेद चीनी को घर से निकाल कर उसकी जगह शक्कर या गुड़ का प्रयोग कीजिए, और चावल की जगह पर आप हरी कंगनी, इसके चावल बना के खाइए, यानी कि मिलेट्स को खाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भैंस का दूध आप पी रहे हो, एचएफ जर्सी गाय का दूध पी रहे हो, ये छोड़कर इसकी जगह मूंगफली का दूध बनाइए और नारियल का दूध बनाइए। अगर आप ये करते हैं तो ये पूरी बॉडी, आपके फेफड़े, आपका हार्ट, आपका लीवर, आपका आमाशय, आपकी छोटी आंत, आपकी बड़ी आंत, ये आपका आमाशय, ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका सेटल रहेगा, क्योंकि ये सफ़ेद चीज़ें हमारे अंदर से नुकसान पहुंचाती हैं। अब ये मूंगफली का दूध कैसे बनेगा, नारियल का दूध कैसे बनेगा, वो बता देता हूँ। मूंगफली, कच्ची मूंगफली को रात को भिगो के रख दीजिए 4 से 6 घंटे। सुबह उठ के इसको मिक्सी में पानी के साथ मैश करके उसको कपड़े से निचोड़कर इसका दूध बन जाएगा। ये है मूंगफली का दूध आपके सामने। ऐसे ही नारियल की गरी, ये गरी को लेकर इसमें पानी डालकर मिक्सी में बैश कर दीजिए, कपड़े से निचोड़ दीजिए, तो बन जाएगा नारियल का दूध। और ये नारियल का दूध और मूंगफली का दूध, ये दूध इसी की दही बना सकते हो आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी पूरे भारत में हम लोगों के बहुत सारे हिम्स खुल चुके हैं, जहां हम किडनी फेल, लीवर फेल पे काम कर रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, क्या ज़्यादा खाएं, क्या कम खाएं। और हम लोगों को ये भी बता रहे हैं कि अगर आपको बड़ी से बड़ी बीमारी है तो जब भी आपने इंश्योरेंस कराना है तो 100% आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस कराना है। वो रिम्बर्समेंट और कैशलेस दोनों की फैसिलिटी हमारे सभी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। इसके अलावा पूरे भारत में हमारी 100 से अधिक क्लिनिक्स हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि जो आज भारत में इतनी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, ये बीमारियाँ कहीं और से नहीं आ रही, ये बीमारियाँ हमारे ही शरीर में हमारे एक खाए गए खाने की वजह से। क्योंकि जब आप ये वाला आटा, गेहूं का पतला आटा खाते हो, तो ये आटा, ये जो आटा आप खाते हो, ये आटा बचपन में याद करो, हम स्कूल में झंडियाँ बनाते थे या किताब भी चिपका लेते थे इस आटे की लेवी बनाकर, यानी कि पतला आटा आंतों में चिपकता है, और ये आमाशय के अंदर चिपक कर ये आटा इसके बाद इन आंतों को खराब कर देता है, और हमें कब्ज हो जाती है, गैस बन जाती है, तेजाब बनता है। एसिड बनने की वजह से, गैस बनने की वजह से, तेजाब बनने की वजह से हमारा शरीर अंदर से खराब हो रहा है। मेरे साथ डॉक्टर सुयश भी है। डॉक्टर सुयश, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, थैंक यू सर। मैं सबसे बड़ी बात, जो आपने पांच चीज़ें देखी जिसके बारे में आचार्य जी ने आपको बताया, ये पांचों चीज़ें अगर आप देखते हैं तो रिफाइंड हैं। ये सारी रिफाइंड चीज़ें आप अगर खाओगे, वो आपका आटा हुआ या शुगर हुई, वाइट शुगर जो आपको बताया, उसका जो प्रोसेस होता है, वो सल्फर या केमिकल्स के साथ जो सफ़ेद आपको दिखने में इतनी अच्छी खूबसूरत लगती है, वो खूबसूरती ही उसके पीछे के जहर, छिपे हुए जहर को दर्शाती है। और उसके साथ ही जो राइस आपने देखा, राइस आप सोचते हो कि हमारे यहाँ दाल चावल तो स्टेपल फूड या हमारा नॉर्मल खाना है, लेकिन ये चावल जो आजकल आप बड़े सारे ब्रांड्स के चावल खाते हो, बड़े बड़े चावल दिखते हैं, वो सारे प्रोसेस्ड राइस होते हैं।
और ये प्रोसेस राइस आप सालों साल रखो, कभी कीड़े नहीं लगेंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये केमिकल द्वारा बनाए जाते हैं। और बेसिकली नमक भी आप यूज़ करते हो, जितना भी ये नमक आप यूज़ कर रहे हो किसी भी कंपनी का, वो नाम आपने ले रखा हो आयोडीन का, लेकिन एक्चुअली वो केमिकल बेस्ड है। और ये सारा नमक आपको सिर्फ नुकसान करने वाला, आपकी बोन्स को, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ जो बुरना जिसको कहते हैं, वो बीमारी, किडनी की बीमारी, बीपी, शुगर, इन सब का कॉज बनती है। और आप सबसे बड़ी थायराइड की जो बीमारी है, ये भी इस नमक के खाने के कारण होती है। मैं ये बोलना चाहूंगा, जो मैंने पांच सफेद चीजें बताई, अगर आज ही आप इन पांचों सफेद चीजों को अपनी किचन से, अपने घर से निकाल देते हो, तो जितनी बीमारियां आप देख रहे हो, आप घर बैठे इन बीमारियों को हरा सकते हो बिना किसी केमिकल, आप बिना किसी मॉडर्न पैथी की दवाइयों के। ये सारी बीमारियां रिवर्सिबल बीमारियां हैं, लेकिन ये पांच सफेद चीजें, मैं फिर बता दूं, ये पांच सफेद चीजें आपको घर से अपने निकालनी होंगी। सफेद नमक, गेहूं का आटा, सफेद चीनी, चावल और भैंस का दूध, ये दूध आपको अपने घर से निकालना है। तो कभी भी संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे, नॉनवेज नहीं खाना, और ये पांच सफेद चीजें नहीं खानी, और बदले में आपको बताया नेचुरल चीजें खाओ। और किसी भी तरीके की बीमारी के इलाज के लिए पूरे भारत में हमारे 100 से अधिक क्लिनिक्स हैं, और हर क्लिनिक पे आपकी बीमारियों के अकॉर्डिंग आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बने पैकेजेस भी अवेलेबल हैं। और हिम्स हॉस्पिटल में अगर बड़ी बीमारी है तो हमारे यहाँ एडमिट होने की सुविधा भी है। और अभी जो बड़े हिम्स है ना, वो डेराबस्सी के बाद लखनऊ में है, मुंबई, मेरठ, अमृतसर, गुड़गांव, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, और गुड़गांव में एक और है, गुड़गांव प्रीमियर के नाम से। तो ये सारे हॉस्पिटल एक ही काम कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपना डॉक्टर खुद बनाए, और यही नॉलेज, यही ट्रेनिंग कि ये चीज़ें मत खाओ और अच्छी चीज़ें खाओ, यही हम पूरे भारत को सिखाना चाहते हैं। थैंक यू, नमस्कार। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है, हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।